साई एडियो फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स, जिसमें हम ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट देखेंगे, जो कि वेबसाइट है icmr.nic.in, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ग्रांट्स या कॉल फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कॉल फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में, तो आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होता है। तो इसमें आप देखिए टोटल 7 ग्रांट्स दी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली जो है ये तो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि फेब्रुवरी मंथ में बहुत सारे प्रपोजल्स ओपन हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉल फॉर न्यू एप्लीकेशन अंडर HRD स्कीम फॉर हेल्थ रिसर्च, फिर सेकेंड है इन्वाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलप इंडिजनाइज्ड थेरापेटिक्स फॉर प्रायोरिटी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन इंडिया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कॉल फॉर प्रपोजल्स ऑनररी थीमेटिक हब्स एंड स्पोक्स फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड इन मेडिकल इमेज एनालिसिस, फिर अ कॉल फॉर इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड रिसर्च प्रपोजल्स फॉर इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रांट्स, और फिर है कॉल फॉर इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड रिसर्च प्रपोजल्स फॉर स्मॉल एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रांट्स। तो ये कुछ हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी की डिटेल में गाइडलाइंस जो है यहाँ पर PDF के फॉर्म में दिए हुए हैं। इनको वन बाय वन क्लिक करिए और पूरा डिटेल में इसके गाइडलाइंस को स्टडी करें, और उसके बाद उसको फिल करना शुरू करें। जैसे कि यहाँ हम आपको एक फर्स्ट जो है एक ग्रांट के बारे में बताते हैं, यह स्मॉल एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रांट। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये 20 दिसंबर को कॉल फॉर प्रपोजल आया है, और इसमें आप देखिए किसके लिए एप्लीकेबल है। सो ऑल द इंडियन साइंटिस्ट्स वर्किंग आउटसाइड ICMR इंस्टीट्यूट्स, मतलब ICMR इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। और कौन कौन से फील्ड के, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ एंड एलाइड डिसिप्लिन्स। एलाइड मतलब उसके अलावा जो भी साइंस के ब्रांचेज हैं, फार्मेसी है, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। कौन कौन सी प्रायोरिटी बेस्ड डिजीजेज एंड कंडीशंस हैं जिसके जिसमें कि ये फंडिंग जो है ये देंगे, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ कैटेगरीज भी हमको एग्जाम्पल के लिए दी हैं, जैसे कि डिस्कवरी रिसर्च है। इसमें आप देख सकते हैं कि नोवल इंटरवेंशन या बेसिक रिसर्च एंड वैलिडेशन इन वाइवो मॉडल्स, ओके, और इससे रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक्स हैं, डिवाइसेस हैं, थेरापेटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, जिसमें कि फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जीनोमिक मेथड, एल्गोरिदम टूल्स, ये सब इसमें एप्लीकेबल है। सेकेंड आता है डेवलपमेंट रिसर्च, तो डेवलपमेंट रिसर्च में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिलीवरी रिसर्च है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि ये देखिए इन्होंने कॉल फॉर प्रपोजल्स में जो प्रायोरिटी डिजीजेज या कंडीशंस हैं उनके बारे में भी बताया है। तो प्रायोरिटी डिजीजेज में कौन कौन सी है, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं एंड रिप्रोडक्टिव, मैटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर आप देखिए वन हेल्थ अप्रोच फॉर इन्फेक्शन ऑफ एपिडेमिक और पैंडेमिक पोटेंशियल, फिर ट्यूबरकुलोसिस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HIV है, इन्फ्लुएंजा एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस, सेप्सिस, मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस एंड यूरिनरी इन्फेक्शंस। ये कैटेगरी है कम्युनिकेबल डिजीजेस की। फिर सिमिलरली आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के एरिया में भी आप सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। नॉन कम्युनिकेबल में आता है कैंसर, फिर डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक वैस्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल इलनेस, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, देन कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक जी लिवर डिजीज, ट्रॉमा एंड बर्न्स, ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, देन NCD रिस्क फैक्टर्स लाइक डाइट, एक्टिविटी, अल्कोहल, टोबैको, देन ब्लड डिसऑर्डर्स, देन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, आई कंडीशंस, ENT, एजिंग, जेनेटिक डिसीजेस। इसके बाद ये रिप्रोडक्टिव वाले केस में हमने देखा प्री कंसेप्शन केयर है, एंटीनेटल केयर, इंट्रांट, पेरी पार्टम केयर, पोस्ट नेटल केयर, प्री टर्म बर्थ, न्यूनेटल सेप्सिस, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, मैल न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग,
एनीमिया इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, कॉमन चाइल्डहुड डिजीजेस, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम एंड अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन एंड इनफर्टिलिटी। इसमें जहाँ पर स्टार लगा हुआ है मतलब कि वी एनकरेज रिसर्चर्स टू सबमिट प्रोजेक्ट्स ऑन दीज हाई प्रायोरिटी रिसर्च एरियाज। ये हाई प्रायोरिटी रिसर्च एरियाज हैं, देखिए क्रॉनिक रेस्पायरेटरी इलनेस है, इंट्रा एंड पेरीपार्टम केयर है, फिर यहाँ आपने देखा ये जो चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, देन एनीमिया इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये कुछ एरियाज हैं देखिए जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये हाई प्रायोरिटी रिसर्च एरियाज हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फंडिंग क्या है, तो आप 10 लाख से लेस देन 2 करोड़ तक आप फंडिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 ईयर्स के लिए होगा और एडिशनल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉर प्रिपरेटरी एक्टिविटीज होगा विथ नो एडिशनल कॉस्ट। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को अप्लाई करना है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज टीम, और इसमें आपको पता है कि वो रेगुलर एम्प्लॉयड पर्सनल होना चाहिए। कहाँ पर, आइदर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज में। तो अगर आप एनजीओ हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग डीएसआई सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल शुड बी एनक्लोज्ड विद एवरी प्रपोजल। कि अगर मान लो कोई एक साइंटिस्ट है, उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आपके पास आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स हैं तो लेस देन 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ओवरऑल जो ग्रांट का अमाउंट है वो 25 करोड़ से लेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आईसीएमआर के खुद के साइंटिस्ट जो है उनके इंस्टीट्यूट्स के, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो एज अ को इन्वेस्टिगेटर उनका नाम डाला जा सकता है, बट उनको फंडिंग अलग से नहीं मिलेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आप प्रपोजल सबमिट करेंगे तो उसका रिव्यू किस तरीके से होगा, तो उसके स्कोरिंग के क्राइटेरियाज भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट जो है उसका रैशनल क्या है, रैशनल मतलब आपने अगर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सॉल्व होने की, मतलब आपने उसको अच्छी तरीके से उसका प्लान ऑफ वर्क बनाया है कि नहीं, वो आपका आता है 20 मार्क्स उसके दिए हुए हैं। फिर पॉसिबल इम्पैक्ट मतलब उसका हेल्थ आउटकम उसमें क्या आएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो 20 मार्क्स है। फिर आपके प्रपोजल की नॉवेल्टी या इनोवेशन जो है, क्या न्यू आइडियाज़ आपने डाले हैं, वो उसके 15 पॉइंट्स हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है मेथोडोलॉजी, क्या आपने पूरी तरीके से मेथड्स को डाला है कि नहीं, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं, उसके 30 मार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, मतलब आप किस तरीके से एक आपने प्लान ऑफ वर्क में जो किस तरीके से टाइम चार्ट बनाया है जिससे कि आपका वर्क जो है वो फिक्स जो ड्यूरेशन, गिवन ड्यूरेशन में कंप्लीट हो पाएगा, वो 15 मार्क्स है। इसमें भी बोला जा रहा है कि अगर 60 मार्क्स तक आपने स्कोर किया है तभी आपको ये प्रपोजल जो है वो उसमें ग्रांट मिलने के चांसेस होते हैं। तो एक जो बजट रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी और वो इसको रिव्यू करेंगे। अब जैसे 20 दिसंबर को रिलीज हुआ इसका कॉल, और आपको 1 जनवरी से 21 फरवरी तक इसको सबमिट करना है। रिव्यू एंड सिलेक्शन होगा 31 मई 2024 तक, और प्रपोजल इम्प्रूवमेंट एंड फाइनल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको समय मिलेगा, उसकी लास्ट डेट 28 जून। फिर अप्रूवल एंड रिलीज ऑफ फंड्स होंगे बाय 30 सितंबर 2024। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हमको इसमें सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले हमको वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर पीआई प्रोफाइल ओपन करना है, प्रपोजल सबमिशन में क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको एक न्यू प्रपोजल आएगा जिसमें कि एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च प्रोग्राम में क्लिक क्लिक करना है, और फिर जो फॉर्म वहाँ ओपन होगा उसको स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। और इसमें एटलीस्ट 1 कॉपी आपके ही इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी है, और ये इसके डिटेल्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्मेट क्या है आपके प्रपोजल का। तो उसका जो पार्ट ए है उसमें वो कह रहा है कि कुछ भी ऐसा आपको नहीं डालना है जिससे कि आइडेंटिफाई हो कि कौन इसका पीआई है, जिससे कि ये जो पोर्शन है ये ब्लाइंड रिव्यू के लिए जा सके। तो इसमें सबसे पहले आपको आपके प्रपोजल का टाइटल लिखना है, अप टू 25 वर्ड्स। इसमें ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंसाइज होना चाहिए, लेकिन वो एटलीस्ट उससे मतलब जो आप काम करना चाह रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी इन्फॉर्मेशन उससे प्रॉपरली हमको मिल जाए। समरी अप टू 250 वर्ड्स,
उसमें स्ट्रक्चर्ड समरी होनी चाहिए जिसमें सब हेडिंग्स क्या क्या होंगी। रैशनेल होगा, नोवेल्टी, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। उसमें कौन से प्रायोरिटी एरियाज के अंदर वो आता है, वो आप टेबल वन जो भी हमने डिस्कस किया कि उसमें से किस कैटेगरी में आपका प्रपोजल आ रहा है वो आपको देना है। कम से कम 6 कीवर्ड्स देने हैं। फिर अगर आपने कुछ एब्रिविएशंस यूज किए हैं तो उसकी लिस्ट आपको देनी है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप टू 500 वर्ड्स, इसमें क्या आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है अभी कि किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। फिर रैशनल ऑफ द स्टडी है 500 वर्ड्स में। फिर हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन आएगा अप टू 100 वर्ड्स। देन स्टडी ऑब्जेक्टिव्स है अप टू 225 वर्ड्स। और मेथोडोलॉजी में आपको क्या क्या देखना है, स्टडी डिजाइन, स्टडी एरिया, देन सैम्पल साइज, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड डिजाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर आता है एक्सपेक्टेड आउटकम 100 वर्ड्स में। फिर वेदर द स्टडी इज गोइंग टू जनरेट अ न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर टाइमलाइन आपको देना है चार्ट बना के। ये तो हुआ पार्ट ए। अब पार्ट बी में आपका आएगा पीआई कोपीआई का डिटेल्स। तो पहले आपने क्या वर्क किया है, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्च टीम, देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फैसिलिटीज, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, एडिशनल सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फिगर्स टेबल्स। फिर बजट आपको देना है। बजट का इन्होंने अच्छी तरीके से हमको नीचे फॉर्मेट दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक फॉर्मेट देखते हैं शॉर्ट रेज्यूम का, पीआई कोपीआई का। तो उसमें नेम ऑफ द पीआई कोपीआई है, डेट ऑफ बर्थ, डोमेन एक्सपर्टाइज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन पबमेड लास्ट 10 ईयर्स में, एच इंडेक्स एंड फेलो ऑफ एकेडमिक्स। फिर 10 प्राइमरी रिसर्च पब्लिकेशन जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एक्सपीरियंस एज इन्वेस्टिगेटर आपका क्या है, आपके पास ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं आईसीएमआर के, तो उसका डिटेल। अब आता है बजट। बजट में हमको सबसे पहले मैन पावर या स्टाफ जो आप लेंगे, जैसे अभी हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि अलग अलग कैटेगरी के मैन पावर हम एम्प्लॉय कर रख सकते हैं, तो उसमें आपको लाइक जेआरएफ, एसआरएफ, प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट या प्रोजेक्ट एसोसिएट कौन सी कैटेगरी के लिखने हैं और उसमें उनकी सैलरी क्या होगी वो आप यहाँ पर आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखना है। इक्विपमेंट आपको जो परचेज करना है उसका कॉस्ट, उसका जस्टिफिकेशन वो आपको देना है, और कंटिजेंसी वो ईयर 1, 2, 3 में आप क्या चाहते हैं, कंज्यूमेबल्स क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं जस्टिफिकेशन के साथ। ट्रैवल अलाउंस भी आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट करेंगे और फिर हम वेट करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये आईसीएमआर का एक प्रपोजल हमने डिस्कस किया, आगे और भी डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन नोट कर लीजिए कि लास्ट डेट इसकी क्या है, जो यहाँ हमने दिखाया 21 फेब इसकी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ प्रपोजल। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।